कैसे सभी एंड होगा सभी लोग बढ़िया होगा एंड आप लोग बढ़िया रहेगा। सो बेसिकली गाइस आज की वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पे गेम के अंदर आपको जो 28 मार्च को जितने भी इवेंट्स है ना गाइस आपको उसको कैसे जो फ्री रिवॉर्ड्स है उनको कैसे आपको क्लेम करना गाइस आज की वीडियो के अंदर एकदम फुल डिटेल्स के अंदर आपको बताने वाले हैं। ऐसा बताएंगे आपके एक भी रिवॉर्ड मिस नहीं होंगे, ठीक है। एंड गाइस अगर आप इस वीडियो को मिस करोगे ना तो आपके बहुत सारी चीज़ें मिस होने वाला, सब कुछ मिस होगा, ठीक है। तो भैया यहाँ पे आज की वीडियो को ना आप लोग पूरा एंड तक वॉच करते रहना। आज की वीडियो के अंदर हम जैसे आपको बता रहे थे क्या कुछ बताने वाले, कल के दिन आपको गाइस कौन कौन से रिवॉर्ड क्लेम करने, कैसे क्लेम करने, क्या क्या चीज़ें आपको देखने को मिले कल के दिन वो उसका बता देंगे आपको। एंड गाइस मैजिक क्यूब आपको कैसे देखने मिलने वाला है, मैजिक क्यूब फ्रेगमेंट्स कैसे देखने मिलेंगे उसकी भी इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। साथ में गाइस कुछ इवेंट्स के अंदर गाइस कुछ बंदों को प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, जैसे कि नेटवर्क कनेक्शन एरर आ रहा है, कुछ लोग के यहाँ पे जो कलर्स है वो कंप्लीट नहीं हो पा रहे हैं, तो भाई उसका भी सॉल्यूशन आपका भाई आपके लेके आ चुका है। तो गाइस आप लोग पूरा वीडियो को देखते रहना। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ यार वीडियो को आप लोग लाइक कर देना यार, चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई, चैनल को सब्सक्राइब अभी कभी कर लो। एंड जो बाजू में बेल आइकन दिख रहा होगा ना उसको ऑल पे सेट कर लो ताकि हमारी ऐसे वीडियोस का नोटिफिकेशन आता रहे। एंड गाइस एक और बात कर लेना, ठीक है, वीडियो को शेयर जरूर कर देना। तुम भी कहोगे भाई क्या क्या बोलता रहता है, इतने सारे काम कर रहेगा, नहीं भाई ऐसा नहीं है। चलिए गाइस टॉपिक के ऊपर मूव करते हैं। तो गाइस सबसे पहले इवेंट से स्टार्टिंग करेंगे है ना, तो गाइस सब कुछ एकदम स्टेप बाय स्टेप बताएंगे जिससे आपका एक भी रिवॉर्ड मिस ना हो, वीडियो को स्किप मत करना, ठीक है। तो गाइस सबसे पहले आपको देखते हुए मिलने वाला है गाइस इधर एक बंडल है, क्योंकि गाइस आपको ये बंडल कल के दिन देखने में मिल जाएगा, पंकिस्टर वाला भाई इसका नाम पता नहीं क्या है। तो गाइस अब कैसे आपको क्लेम करना है हम आपको बता देते। तो गाइस आपको ये जो लास्ट वाला इवेंट है ना आपको इसके ऊपर जाना पड़ेगा, उसके बाद जैसे आप गाइस इस इवेंट को ओपन करोगे, ठीक है। गाइस कल के दिन आपको कुछ प्रॉब्लम्स भी देखने में मिलने वाली, वही प्रॉब्लम के बारे में बताऊंगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो भाई प्लीज देखते रहना वीडियो को। तो गाइस यहाँ पे देख लो भाई आपको देखने में मिल जाएगा ये वाला इवेंट है ना, मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि भाई जो ये वाली लाइन आपको पूरा इसको कंप्लीट करना होगा। अगर आपने कंप्लीट नहीं किया तो कल का भी टाइम है भाई, कल के दिन में आप कंप्लीट कर सकते हो। तो गाइस आपको पूरा ये कंप्लीट करना है, जैसे गाइस आप ये पूरा जो है ना कंप्लीट कर लेते तो गाइस उसके बाद गाइस आपको यहाँ पे जो इवेंट है गाइस आपको यहाँ पे मतलब कि ओपन यहाँ पे जो ये देखो है ना, तो गाइस यहाँ पे आपको क्लेम करने का ऑप्शन आ गया, सिंपल से आपको इधर क्लेम कर देना होगा। भाई मैंने इवेंट को कंप्लीट नहीं किया क्योंकि मेरे को इवेंट पसंद नहीं है, इवेंट वगैरह मैं गेम कम खेलता हूँ, तो प्लीज बात को समझ लेना। बाकी जो भी इन्फॉर्मेशन है मेरे को इन्फॉर्मेशन देना तो पसंद है ना। तो गाइस यहाँ पे आपको यहाँ पे आप क्लेम का ऑप्शन कल के दिन आ जाएगा जो कि 28 है, ठीक है। तो गाइस 28 का आपको क्लेम का ऑप्शन सुबह सुबह उठ के क्लेम कर लेना। तो पहला चीज गाइस हमने क्लियर कर दिया है कि आपको यहाँ पे बंडल कैसे क्लेम करना है। अभी गाइस हम लोग चलते हैं और देखते हैं कौन कौन से रिवॉर्ड्स हमें देखने मिल जाते हैं। तो गाइस आपको कस्टम कार्ड देखने मिलेगा जो कि आई होप गाइस सभी लोग ने क्लेम कर लिया होगा, अगर नहीं किया है तो भाई आप कमेंट में बता सकते हैं, मैं उसका सॉल्यूशन बता दूंगा। उसके बाद गाइस आता है यहाँ पे लेवल 8 का कार्ड जो कि गाइस आपको 5-4 कलर इवेंट में देखने मिलने वाला है। वही सेम जैसे आपको ये वाला कंप्लीट करना है उसी तरीके से गाइस उसी इवेंट के अंदर है वो भी आपको कमिट करना पड़ेगा। उसके बाद गाइस अवेकनिंग शार्ड है जो कि गाइस आपको कल के दिन ही देखने मिलेगा। नहीं सॉरी गाइस यहाँ पे मैंने गलत बोल दिया, ये जो है ना अवेकनिंग शार्ड गाइस आपको कल के दिन नहीं आपको अभी से देखने मिला, जैसे आप कस्टम का यहाँ पे ये है ना ये, ठीक है। तो गाइस जैसे आपने इसको क्लेम कर लिया, जैसे आपने हमारे लेवल 8 कार्ड को क्लेम किया तो उसी तरीके से गाइस आपको ये भी करने लगा। भाई मैं इतना क्यों डीप जा रहा हूँ, आप लोग ने इसको क्लेम कर लिया, कोई डिफिकल्ट वाली बात नहीं है इसमें। उसके बाद गाइस आता है हमारा जो कि इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि एक इमोट है। तो भाई ये जो इमोट है इस इवेंट के अंदर गाइस बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम आ रही है, कैसे इमोट को क्लेम वगैरह करना है ना हम आपको बताते हैं पूरा अच्छे से, ठीक है। जो भी यहाँ पे प्रॉब्लम वगैरह आ रही है उसको हम क्लियर कर देंगे आपको। तो पहले गाइस चलते हैं 5-4 कलर इवेंट में। बेसिकली मैं क्यों जा रहा है वो मेरे को नहीं पता क्योंकि भाई मैंने तो इवेंट ही नहीं कंप्लीट किया है ना। तो गाइस यहाँ पे अभी आपको यहाँ पे जो रिस्टोर द कलर इवेंट है ना गाइस आपको इसके अंदर जाना पड़ेगा। उसके बाद गाइस यहाँ पे क्या करना है आपको, आपने इवेंट आई होगा सभी लोगों ने कंप्लीट कर लिया होगा, अगर नहीं कर लिया है तो भाई मैं उसका सॉल्यूशन अभी आपको दूंगा। तो गाइस यहाँ पे आपको क्या करना है, योर टू कलर इवेंट जो भी आपको इवेंट देखने मिला उसको खोल लेना मेरे भाई। उसके बाद जैसे आप ओपन करोगे तो कल के दिन आपको 28 को जिन्होंने भी, अभी मैं उन लोग को बता रहा हूँ जिन्होंने भी इवेंट को कंप्लीट कर लिया, ठीक है। तो गाइस जिन्होंने भी इवेंट को कंप्लीट कर लिया कल के दिन 28 को आपको क्लेम करने का ऑप्शन आ जाएगा, तो आप लोग उसको क्लेम कर लेना, ठीक है। नॉर्मली बस जाना क्लेम कर लेना। तो गाइस एक चीज़ क्लियर हो गई। अभी उन लोग की बात करते हैं जिन्होंने इस इवेंट को कंप्लीट नहीं किया है। तो यहाँ पे दो टाइप के प्रॉब्लम निकल के आते हैं। पहले बंदे वो होते हैं जो बोलते हैं भाई हमारा जो कलर है वो देखने को नहीं मिला, हमें कलर के लिंक दे दो। एंड जो सेकंड टाइप के बंदे आते हैं वो बोलते हैं कि भाई जो इवेंट है वो ओपन नहीं हो रहा, नेटवर्क कनेक्शन एरर आ रहा है एंड डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉब्लम आ रही है। तो गाइस हम आपको बता रहे हैं यहाँ पे अगर आपको डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉब्लम आ रही है, कुछ भी टाइप की दिक्कत आ रही है, तो गाइस आपको जो इवेंट है ना बार बार ओपन करते रहना होगा, लगातार बार बार खोलते रहो। रिफ्रेश वाला ऑप्शन दिख रहा है ना यहाँ पे देखो, इस साइड देखो गाइस आपको रिफ्रेश वाला ऑप्शन देखने मिलता है ना, इसको बार बार रिफ्रेश करते रहना एंड बार बार खोलते रहना, आपको ओपन हो जाएगा। अगर उसके इसमें भी नहीं होता तो गाइस आपको एक और ऑप्शन देखने मिलता है जो कि ये है, ये गाइस आपको ब्राउजर के ऊपर रीडायरेक्ट कर देगा, आपको इस ऑप्शन से जाके खोल लेना होगा। तो उसके बाद जो भी आपका इवेंट वगैरह ओपन नहीं हो रहा है वो ओपन हो जाएगा। बात कर ले उन बंदों के बारे में जो कि गाइस यहाँ पे जिनका कलर नहीं मिल पा रहा, जिनके पास कलर की लिंक नहीं है, तो वो बंदे क्या कर सकते हो भाई, यहाँ पे जो मेरा कमेंट बॉक्स है ना गाइस, आप लोग वहाँ पे जाके कमेंट करके अपने बता देना कि भाई मेरे पास ये कलर नहीं है, मेरे को वो कलर दे दो, ये कलर दे दो, ठीक है। एंड आप लोग एक दूसरे की हेल्प कर देना, हेल्प कर दोगे तो आप सभी लोग का जो इवेंट है ना वो कंप्लीट हो जाएगा। तो प्लीज़ यार सभी लोग मिलकर एक दूसरे की हेल्प कर दो। और गाइस यहाँ पे इन केस गाइस अगर यहाँ पे यूट्यूब अलाउ नहीं करता है लिंक वगैरह देना, ठीक है, मतलब कलर की लिंक देना अलाउ नहीं करता है, उस केस में गाइस यहाँ पे आप लोग मेरे डिस्कॉर्ड वगैरह के ऊपर आ सकते हो गाइस, उधर आपको मैं बता दूंगा कैसे, मतलब कि उधर आप लोग डिस्कस कर लेना, ठीक है। तो मैंने आपको नॉर्मल सॉल्यूशन दे दिया, आप लोग एक दूसरे की हेल्प करके बहुत ईजिली गाइस यहाँ पे जो इवेंट है ना कंप्लीट कर पाओगे। आप लोग देख लेना एक बार कमेंट सेक्शन खोल के कि कौन से बंदे हो, कौन सा कलर चाहिए, एंड एक दूसरे से फ्रेंडशिप कर लेना। तो इमोट की जो काफ़ी डिफिकल्ट टॉपिक थी भाई वो मैंने आपको मतलब कि बता दी है। उसके बाद के जहाँ पे रिस्टोर द कलर इवेंट आता है, इसको भी आपने क्लेम कर लिया होगा 28 मार्च को, जो कि कल है ना। तो भाई आपको कल के मिलने वाला जो कि गाइज काफ़ी ओपी रिवॉर्ड है। तो भाई यहाँ पे आपको उसको क्लेम करने का हम आपको तरीका बता देते हैं गाइज। आपको सुबह सुबह ना इवेंट को आके देखना पड़ेगा, ठीक है। तो गाइज आपको सुबह 29 मार्च, मतलब अरे भाई 29 मार्च, भाई मैं 28 मार्च बोला था कब से। इधर देखो क्या है भाई, इधर देख रहे हो ना, ये 28 लिखा है, इधर 29। तो 29 को ही आपको क्लेम करना पड़ेगा, ठीक है। तो 29 को ही देखने में मिलेगा। तो मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ थोड़ा, क्योंकि भाई 28 को पीक डे एंड 29 मार्च इधर लिखा है। तो देख लेते गाइस, आप लोग बस गेम को ओपन करना है, लॉग इन करना है, मतलब गाइस गेम को ओपन करना है। एंड उसके बाद गाइस आपको इधर क्लेम का ऑप्शन मिलेगा, तो गाइस आपको उसको क्लेम कर लेना होगा, ठीक है। नॉर्मली गाइस को आपको क्लेम करना है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है इसके अंदर। एंड गाइस बात कर ले परंग की स्किन के बारे में, तो गाइस परंग की जो स्किन है ना भाई काफ़ी ओपी है भाई। देख रहे ना यहाँ पे लिखा हुआ है कंटेन स्पेशल किल फीड, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे जब आप मारोगे ना आपका नेम हाईलाइट में आएगा। एंड यहाँ पे जो देख लो भाई पूरा परंग का स्किन कितना ओपी लग रहा है देखने में, एकदम लेजेंडरी गाइस आपको परंग का स्किन देखने में मिल रहा है। बाहर सर्वे के ऊपर टॉपअप इवेंट के अंदर आ रखा था, बट हमारे सर्वे के ऊपर गाइस आपको बिल्कुल फ्री में देखने में मिला, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। बस गेम को ओपन करना है, क्लेम करना है, तो बहुत अच्छा इवेंट है। उसके बाद गाइस हमारा नेक्स्ट इवेंट निकल के आता है गाइस, उसमें हम आपको बताएंगे कि आपको मैजिक क्यूब फ्रेगमेंट कैसे देखने को मिलने वाला है, ठीक है। तो इवेंट को गाइस ओपन कर लेते हैं, यहाँ पे जो भी कहा गया। हाँ, तो गाइस यहाँ पे लिखा ना प्ले मोर गेट मोर। तो गाइस इस इवेंट को कंप्लीट करने के लिए आपको क्या करना है कि आपको 10 मिनट गेम खेलना पड़ेगा, ठीक है, जो कि 5 फ्रेगमेंट आपको देखने में मिल जाएगा। 30 मिनट गाइस गेम खेलोगे तो गाइस आपको 5 फ्रेगमेंट देखने में मिलने वाला है। 50 मिनट गेम खेलोगे तो गाइस 10 फ्रेगमेंट देखने में मिलेगा। 70 मिनट गाइस गेम खेलते हो तो आपको 10 फ्रेगमेंट देखने में मिल जाएगा, है ना। उसके बाद 100 मिनट टोटल कंप्लीट करोगे तो गाइस आपको पूरा 20 फ्रेगमेंट देखने में मिलने वाला है। तो गाइस यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, अगर बहुत सारे लोग गेम नहीं खेल पाओगे कल के दिन, तो उनमें वो बंदे क्या कर सकते हैं कि जो ट्रेनिंग मोड है ना, ट्रेनिंग मोड हो गया, बहुत सारे टाइप ऑफ मोड होते हैं, उसको आप लोग खोल देना, उसका रिसेंट पे छोड़ देना, ठीक है, अराउंड 2 घंटा। तो आपका जो पूरा इवेंट ऑटोमेटिक कंप्लीट हो जाएगा, कुछ भी आपको नहीं करना, नॉर्मल है, कोई भी मोड खेल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। बस आपका गेम जो है ना वो प्लेइंग मोड पे होना चाहिए, बस इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। एंड गाइस अभी हम लोग बात करने वाले हैं एक इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में। उस खुफिया चीज़ को बताने से पहले गाइस अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो मेरे भाई फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो, एंड चैनल को सब्सक्राइब करके जो बाजू में बेल आइकन आ रहा होगा ना उसको ऑल पे सेट कर लो, ताकि हमारे ऐसे वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप लोगों के पास आता रहेगा। तो चलिए गाइस यहाँ पे हम लोग बात करते हैं उस खुफिया चीज़ के बारे में। तो गाइस अभी क्या सीन चल रहा है ना गाइस, यहाँ पे जो गेम है ना यहाँ पे आपको नेटवर्क कनेक्शन एरर देखने में मिलता है, एंड डिफरेंट काइंड ऑफ प्रॉब्लम आपको देखने मिल सकती है कल के दिन, क्योंकि गाइस यहाँ पे कल के दिन ना गेम के अंदर काफ़ी ज़्यादा लोड पड़ा रहेगा, बहुत सारे लोग इस गेम के ऊपर एक्टिव रहेंगे। तो भाई प्लीज़ बात का ध्यान रखना है गाइस, यहाँ पे आपको अगर हो सके रात के 12 बजे ही सारी चीज़ें क्लेम कर लेना। अगर 12 बजे नहीं कर सकते तो सुबह के 4 बजे उठ के कर लेना, क्योंकि गाइस यहाँ पे बहुत ज़्यादा चांसेस रहेंगे कल के दिन गेम वगैरह क्रैश होता रहेगा। तो एक बार अगर कर सको तो भाई कर सकते हो, बाकी आप लोग के ऊपर डिपेंड करता है। अगर नहीं कर पाओ तो कोई बात नहीं, बट अगर कर पाओगे ना तो कर लेना ज़रूर से एक बार। तो यही सारी चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ थी, वही बतानी थी भाई, काफ़ी इंपॉर्टेंट। अगर गाइस कल के दिन अगर सर्वर क्रैश कर गया ना तो भाई बहुत सारे जो रिवॉर्ड है ना वो मिस हो जाएगा। तो इसीलिए बता रहा हूँ भाई, अगर हो सके तो भाई मैं आपको मतलब एक सेफ्टी मेजर बता रहा हूँ, अगर हो सके तो क्लेम कर लेना। सो गाइस आज की वीडियो के अंदर इतनी इन्फॉर्मेशन थी, होपफुली गाइस अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ अगर वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लेना। तो चलिए गाइस मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।